यार इतना नहीं है, तो भाई पुलिस वाला पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया। अभी बहुत बड़ा मस्जिद हो गया, इसके अंदर मदरसा भी है। बेंगलुरु का जो लुलू मॉल है ना, ये देखो लुलू पे एक्सीडेंट हुआ है शायद, लुलू मॉल। सो हेलो गाइस, तो हम अभी शिवाजी नगर पे, तो ये शिवाजी नगर का कमर्शियल स्ट्रीट है, यहाँ से हमने पिकअप किया। तो हमें जाना है मैजेस्टिक, जाना है ये कमर्शियल स्ट्रीट, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो यहाँ से हमने पिकअप कर लिया, सबसे ज़्यादा लोग इधर ही रहता है। संडे है फिर भी बहुत ज़्यादा लोग, अगर अब शाम को आएंगे ना यहाँ पे तो पूरा फुल रहता है, मतलब एक बाइक लेके जाना मुश्किल होता है लोगों की, अगर इतना भीड़ इधर रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ इधर रहता है। अब देख सकते हो कितना भीड़ है यहाँ पे, हमें उसी भीड़ की साइड से हमें जाना है, मैजेस्टिक जाना है। इसको कंप्लीट करके और एक ऑर्डर कंप्लीट करना ही है हमें, नहीं तो 475 नहीं होगा। 475 को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हमें मिलेगा। लड़का लड़की सभी इधर आता है, कपड़ा इधर सिर्फ ओनली कपड़े का शोरूम है और कुछ रेस्टोरेंट है थोड़ी बहुत, लेकिन और सभी फैशन का है। बहुत ही जाम है इधर, हमेशा रहता है इधर। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहता है शिवाजी नगर में, पार्किंग का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। पार्किंग का जो प्लेस है बहुत दूर है यहाँ से, सुधर जाके पार्किंग करके फिर पैदल आना पड़ता है। ओह माय गॉड, टप से निकाल दिया रास्ता, लेकिन तो जाना तो पड़ेगा ना भाई, एक रास्ता निकाल दिया तो दूसरा साइड में और एक बंदा है। ये देखो ये स्कोडा लेके इधर क्या, स्कोडा लेके हमें परेशान कर रहा है भाई, साइड नहीं दे रहा है। ये है शिवाजी नगर, सबसे ज़्यादा लोग इधर ही रहते हैं। सो हमें 7 किलोमीटर जाना है, यहाँ पे 24 मिनट दिख रहा है। तो इस पर कम्प्लीट करके और एक ऑर्डर हमें करना ही होगा। मैंने जो पार्किंग बोला ना, पार्किंग उधर जाके ये वाला बिल्डिंग में पार्किंग करके इधर। मेरा मानना है कि आप यहाँ पे पर्सनल गाड़ी लेके ही मत आओ, क्यों क्या होता है, ट्रैफिक तो सबसे ज़्यादा जाम रहता है इधर, और दूसरा बात पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑटो से या मेट्रो से या बस से आ जाओ, सबसे बेहतर होगा। एक्चुअली बीच में मैंने वीडियो रोक दिया, सो बारिश आ गया था इसलिए वीडियो नहीं कर पाया। अभी बारिश नहीं है, ये बेंगलुरु का जो मौसम है ना भाई, कोई भी नहीं कह सकता कैसा चल रहा है, किस तरह हो रहा है भाई, किस तरह होगा भाई। उधर धूप चल रहा है, पूरा धूप है, गर्म लग रहा था मेरे। इधर देखो भाई पानी है, बारिश अभी 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 लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुआ है। तो एक जगह में बारिश होता है बेंगलुरु में, एक जगह में नहीं होता, एक बात। दूसरा बात तो ये है कि कभी भी आ सकता है बारिश। 6 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे सिग्नल छोड़ दिया, तो हमें जल्दी जाके इसको डिलीवरी मार करना है। वो मैडम जी क्या कर रहे हो, रोड पूरा फ्री है, फ्री है मतलब अभी सिग्नल छोड़ा है ना, सबसे पहले हम हैं इसलिए। तो हमें लोकेशन दिख रहा है, स्ट्रेट जाना, हमें सीधा जाना है, फिर जाके लेफ्ट लेना है। टिपू सुल्तान प्लेस में गया था, वहाँ पे वीडियो कर सकता था, लेकिन क्या हुआ बारिश की वजह से वीडियो नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हम टिपू सुल्तान प्लेस में, कल या परसों एक दिन तो जाएंगे ना भाई, जब भी जाएंगे तो टिपू सुल्तान प्लेस में हम जाएंगे ज़रूर पक्का। सिग्नल जंपिंग कर लिया हमने, लेकिन पुलिस नहीं है, वही जान बच गया हमारा। तो मणिपाल हॉस्पिटल है लेफ्ट साइड में, ज़्यादा ट्रैफिक देख गया सामने वाला में। BMW X1 है, तो हमें सीधा जाना, सीधा जाके भाई राइट लेना है, उसके बाद कौन सा रोड पे जाना,
पकड़ा जा रोड में। इधर से राइट साइड में पुलिस रहता है, हमेशा पुलिस रहता है। अभी पुलिस के गाड़ी दिख रहा है लेकिन पुलिस नहीं दिख रहा। हम स्ट्रेट नहीं जा, हमें राइट लेना है अभी यार। सो गाइस, सिग्नल तो फाइनली छोड़ दिया। एक्चुअली पहले बार छोड़ा था लेकिन वो एम्बुलेंस की वजह से फिर बंद कर दिया। सो हमें अभी रोड भी फ्री है, अभी जल्दी जाना है भाई। कम से कम यहाँ पे जो रोड लिमिट है 40, 57, 58, 60 पे जा रहा है। तो हमें जल्दी जाना है और बस उतना ही। सो ये लोकेशन दिख रहा है मुझे इस तरह जाने की। सो हम पहुंच चुके हैं, सारा गाड़ी ऊपर से जा रहा है, हम नीचे से जाना है। दिक्कत तो वही है भाई, लोकेशन की तरफ पहुंच ही रहा है बस थोड़ा और। सामने जो है ना ये मजेस्टिक रेल स्टेशन है, सबसे बड़ी रेल स्टेशन है मजेस्टिक का। अभी सीधा जाके अंडरग्राउंड से जाना, यहाँ पे बहुत मुश्किल। अगर एक टर्न अगर तुमने गलत ले लिया ना तो कम से कम 3-4 किलोमीटर आपको घूम के आना पड़ेगा। अंडरग्राउंड से हम निकल चुके हैं, फिर और एक अंडरग्राउंड। ये वाला देखो एक बिल्डिंग भाई, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है भाई। जो लुलू मॉल की बात करते हो ना, लुलू लुलू लुलू, ये है लुलू मॉल। लुलू मॉल क्रॉस कर दिया। सो ये वाला मजेस्टिक का एरिया है, ये सभी मजेस्टिक का एरिया है। यहाँ पे हमें सीधा जाना है और फिर राइट लेना है। रोड बढ़िया है, सभी जगह पे जाओ, बेंगलुरु का किसी भी जगह पे जाओ, रोड बहुत बढ़िया है। ये देखो भाई और एक सिग्नल आ गया, किधर जाना है। तो हमने डिलीवरी ये मार्क कर दिया, हमें हमारे पास 20 मिनट्स है। देखता हूँ 20 मिनट्स के अंदर कोई ऑर्डर देता है क्या नहीं। 20 मिनट्स के अंदर एक ऑर्डर दे दिया तो वो भी 90 रुपीज़ का, अराउंड 90 होना है तो फिर होगा हमारा, नहीं तो नहीं होगा भाई। सो अभी हमें घूम के जाना है, कहीं चला जाएंगे। ये देखो भाई, हमारा ज़िंदगी इस बच्चे की तरह हो जाता तो कितना सुकून मिलता है इस दुनिया से। तो एक्सीडेंट हुआ है शायद, बेंगलुरु का जो लुलू मॉल है ना, ये देखो लुलू बढ़िया कंफ्यूज वाला जो रोड है ना यही पे है। यहाँ से हम जाएंगे, आपको दिखाता है, ये जो अंडरग्राउंड है ना इसी से हम सीधा जाएंगे। अगर यहाँ से राइट लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा आपको, 3-4 रूट मिलेगा आपको। अगर स्लाइटली भी आपने गलती कर लिया ना तो फिर पूरा घूम के आना पड़ेगा। ये देखो 1, 2, 3, 4 रूट है। सबसे मज़ेदार यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, इस बिल्डिंग का बैक साइड, मतलब उस बिल्डिंग का पीछे। ये देखो भाई कितना बड़ा मस्जिद है। ये मस्जिद मैंने जब आया था तब काम चल रहा था, अभी बहुत बड़ा मस्जिद हो गया। इसके अंदर मदरसा भी है, मतलब जो लोग बड़ा मस्जिद है। ये देखो सबसे बड़ा, मुझे अगर बेंगलुरु से सबसे बढ़िया मस्जिद और सबसे बड़ा मस्जिद और खूबसूरत मस्जिद अगर कोई कहे तो ये वाला मस्जिद है। ये किंग बशा टावर है प्रेस्टीज का सबसे बड़ा। ये चीज़ देखो, ये चीज़ हुंडा शाइन है शायद, हाँ शाइन हीरो का कुछ बाइक है, शाइन बाइक है कुछ। भाई कितना स्पीड में जा रहा है, उसको ओवरटेक करते हैं फास्ट, फिर हम टर्न लेते हैं, फिर हम भी थोड़ा स्पीड में भगाते खड़े। रोड बहुत बढ़िया है, स्पीड में जाएंगे तो मज़ा आएगा। राइट लेना, ये देखो भाई पुलिस वाला पकड़ लिया।
इसको भी पकड़ लिया, हमेशा पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा भाई। गलती करोगे तो पकड़ेगा, गलती नहीं करोगे तो कोई नहीं पकड़ेगा। अगर पकड़ेगा भी तो भी छोड़ देगा। तो फिर सिग्नल भी छोड़ दिया, तो हमें जाना है सीधा। ये बंदा का तो उस साइड में है, इंडिकेटर इस साइड में मार रहा है। ओ अच्छा, अंकल है हमारा, अंकल है। आईफोन 14 प्रो का सभी जगह बोर्ड लगा हुआ है। ये है इंदिरा गांधी का जो म्यूजिकल फाउंटेन इनसाइड, या पार्क भी है और म्यूजिकल भी है इनसाइड, इंदिरा गांधी का है।